लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओवर आवर स्क्रीन, जहाँ पर आपके सामने एक कनकेव मिरर दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट रखा है एट पॉइंट ओ, और ऑब्जेक्ट लेंथ आपको दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर. साथ में ये कहा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ इज एफ, यानी कि ये जो मिरर है इसके फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड एफ है. आपको दिख रहा होगा फिगर में भी पॉइंट एफ, फोकस पॉइंट एफ लेंथ की दूरी पर है ये पॉइंट, ऑब्वियसली इस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं. और साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दिस ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ, इट इज एट एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 f. ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ इमेज. तो ऑब्वियस बात, हम स्टार्ट करेंगे इस सवाल को कहाँ से, 1/u + 1/v = 1/f के साथ फोकल लेंथ. तो अब यहाँ पर ज़रा अगर हम साइन कन्वेंशन को के हिसाब से फॉलो करते रहें, तो u हमारे पास क्या है, u इज़ बेसिकली 1.5 f. लेकिन चूँकि ऑब्वियस बात है कि लाइट इनकमिंग डायरेक्शन ये है और कैलकुलेशन हमारी पोल के थ्रू होती है, तो पोल के थ्रू हम यहाँ तक जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या नेगेटिव लिया जाएगा. इवन कि पोल के थ्रू जब हम फोकस तक जाएंगे तो वो भी क्या ले जाएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव लिया जाएगा. तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/u की जगह पर -1.5 f + 1/v, वी अननोन है इसलिए उसका साइन पुट करने की जरूरत नहीं है. और ये जो फोकल लेंथ होगा वो एक्चुअली साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -f. ठीक है, तो बस यही मेन स्टेप ये होता है कि सही साइन के साथ आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, फिर तो लास्ट में क्या करना है, प्लस माइनस करना है सिर्फ. तो 1/v आपका हो जाएगा 1/1.5 f - 1/f, ये टर्म राइट हैंड साइड चलेगी. ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो v आपको आ जाएगा -3 f. तो देखो v खुद बहुत साइन के साथ आ रहा है, -3 f आ रहा है. इसका मतलब कि ऑब्वियस बात है कि जो इमेज पोजीशन है वो भी किस साइड है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड ही है, तभी ये नेगेटिव के साथ आ रहा है. तो अभी जस्ट हमें v यानी कि इमेज पोजीशन मिली है. अब जब हमको लेंथ ऑफ इमेज निकालनी है, इसका मतलब हमें मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल करना है. तो मैग्नीफिकेशन का अगर इस्तेमाल करना है तो मैग्नीफिकेशन हमने क्या सीखा था, मैग्नीफिकेशन फॉर अ मिरर इज -v/u. ओके, अब v की वैल्यू हमें इसमें पुट कर सकते हैं. तो v की वैल्यू हम पुट करेंगे तो -3 f v की वैल्यू है, तो -3 f डिवाइड बाई यू की वैल्यू पहले से क्या है, यू की वैल्यू होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से -1.5 f, जो हमने यहाँ पर पुट की थी यू की वैल्यू. ठीक है, तो ओवरऑल इतने सारे माइनसेस हैं, कैंसिल तो हो ही जाएंगे, और लास्ट में वो क्या बचेगा, लास्ट में वो बचेगा -2. तो मैग्नीफिकेशन इज योर -2. अब मैग्नीफिकेशन का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली हाइट ऑफ इमेज जिसको हम h2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम h1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो दैट इज नाउ वी हैव फाउंड टू बी -2. इसका मतलब कि h2 क्या हो जाएगा, h2 विल बी -2 h1, राइट. और h1 हमें दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट लेंथ 2.5 सेंटीमीटर. तो h2 इज -2 h1, इसका मतलब h2 हो जाएगा -5 सेंटीमीटर. तो -5 सेंटीमीटर हाइट आने का मतलब क्या हुआ, इसका मेन मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज इज बेसिकली 5 सेंटीमीटर बिलो प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, यानी कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में डाउनवर्ड की तरफ है, सो इट्स बिलो प्रिंसिपल एक्सिस एंड द हाइट ऑफ इमेज इज 5 सेंटीमीटर. तो जाहिर सी बात है ये जो इमेज फॉर्म होगा वो नीचे की तरफ फॉर्म होगा, और जब नीचे की तरफ फॉर्म होगा तो जाहिर सी बात है ये प्रिंसिपल एक्सिस चूंकि नीचे है तो ये कैसा फॉर्म होगा, ये इन्वर्टेड फॉर्म होगा. फाइन, तो जस्ट जो दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, एक तो मिरर फॉर्मूला और दूसरा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, इनको हमने यूज़ किया और फाइनली हमें सारे आंसर्स मिल गए. फेयर इनफ, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. सो नाउ हियर वी हैव अनदर क्वेश्चन, जहाँ पे आपको फिगर के अंदर एक मिरर दिया हुआ है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पर ये एज अ कॉनकेव मिरर इस्तेमाल हो रहा है. सामने एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ए टू बी का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली प्लेस किया गया है, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आपको दिख रहा है 10 सेंटीमीटर. सो दिस इज बेसिकली योर ऑब्जेक्ट. अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज अगर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर 10 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, अब आपको इमेज लेंथ निकालनी है. तो पहली बात तो ये कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर
वो परपेंडिकुलर के होने की जगह पर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस प्लेस्ड है। तो बेसिकली हमको सोचना है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो अब जो इमेज बनेगा वो भी ए के कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग इमेज बनेगा और बी के कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग इमेज बनेगा। अब आप सोचो कि ये जो इमेज बनेगा वो कैसा बनना चाहिए। आप इस नंबर पे ध्यान दो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ट्वाइस ऑफ एफ, यानी कि इस केस में हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड वाइज, साइन पर हम बाद में आएंगे। तो बेसिकली ये जो पॉइंट बी है वो आपको साफ दिख रहा है कि इस पॉइंट से, ये बेसिकली कौन सा पॉइंट है, पी पोल पॉइंट है, तो पोल से ये जो पॉइंट बी है वो बेसिकली आपको दिख रहा है 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, यानी कि इफेक्टिवली ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इफेक्टिवली योर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर सीख सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो फिर उसका इमेज कहाँ बनता है। ये चीज़ें आई थिंक क्लास 8 या 10 या 9 कभी तो ऑप्टिक्स में आप लोग सीखते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, ठीक है। इसीलिए बी पॉइंट का इमेज जो कि बी डैश है वो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर बनेगा, यानी कि जो ओवरऑल ये रॉड होगी जो उसकी लेंथ होगी वो उस लेंथ का जो एक एंड पॉइंट है बी पॉइंट, उसकी इमेज एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर होगी, इसलिए बी डैश ठीक इसी पॉइंट पर है। तो अब हमारे लिए सवाल बन जाता है क्या, अब हमारे लिए सवाल ये बन जाता है कि हम किसी भी तरह ए पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग इमेज निकाल लें तो फिर ए डैश से लेकर के बी डैश तक की जो लेंथ होगी वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द इमेज हो जाएगी। तो हमको मेन बेसिकली फाइंड आउट करना है कि ए डैश पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। तो ए डैश पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वही सेम चीज़, 1/u + 1/v = 1/f, ओके। अब यहाँ पर जो ए पॉइंट है वो बेसिकली क्या दिख रहा है आपको, पोल से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है और फिर यहाँ से फर्दर 10 सेंटीमीटर, यानी कि ए पॉइंट जो है वो पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 1/u के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ 30 पुट कर सकते हैं प्लस 1/v, ये तो हमें निकालना ही, यानी कि ए डैश की पोजीशन बराबर 1/f। फोकल लेंथ क्या लिया जाएगा, कनकेव मिरर का हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस ऑफ 10। तो सवाल अब सिंपली क्या सॉल्व हो जाएगा कि 1/v विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1/10 एंड अगेन माइनस ऑफ 1/-30। तो ये जो साइन है ये बहुत आराम से पेशेंस के साथ क्लियर कट तरीके से पुट कीजिए, क्योंकि बस इसी साइन को पुट करने में गलती होती है और फिर आपको आंसर नहीं आएगा। तो साइन को सही से पुट करें, एक बार वो आप श्योर हो गए कि हाँ आपने साइन सही से पुट किया हुआ है, फिर इजीली आपको वैल्यू आ सकती है कि वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर योर वी विल बी माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो आपको वी आ गया माइनस 15 सेंटीमीटर, फाइन। यानी कि ए डैश जो पॉइंट है वो पॉइंट पोल के साथ कितने डिस्टेंस पर है, ये जो पोल है तो ए डैश पॉइंट जो है बेसिकली पोल के साथ वो है 15 सेंटीमीटर पे। ये इस साइड क्यों बनाया हमने, क्योंकि वी आपको ऑलरेडी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब कि है लेफ्ट हैंड साइड है। अल्टीमेटली वही बात हो गई कि लाइट तो इधर से आ रही है, पॉजिटिव साइन, इसके अगर आगे जाते तो पॉजिटिव होता, जो भी इसके पीछे कैलकुलेट होगा वो सब नेगेटिव होगा। तो यानी कि आपका ए डैश पॉइंट पोल से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया, फाइन। और बी डैश पॉइंट क्या है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो यानी कि अब इस चीज़ को बताना मुश्किल नहीं है कि ए डैश और बी डैश का लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना होगा, ये लेंथ 20, बी डैश 20 पर है और ए डैश 15 पर है, तो 20-15 इसका मतलब कि 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फाइनली द लेंथ ऑफ द इमेज इज जस्ट 5 सेंटीमीटर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सो हेयर इज अनदर क्वेश्चन, यहां पर आपसे कहा जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 2.5 मीटर शुड अ बॉय स्टैंड सो दैट हिज इमेज हैज अ हाइट इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट। यानी कि एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने कितनी दूरी पर एक बंदे को खड़ा होना चाहिए ताकि उसके इमेज की जो हाइट है वो उसकी एक्चुअल हाइट की हाफ हो, ठीक है। तो इस सवाल में पहले है तो हम, यानी कि दिख रहा है साफ कि मैग्नीफिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं एच ओ से डिनोट कर रहा हूँ और हाइट ऑफ इमेज को एच आई के साथ। अब बंदा अगर खड़ा है और उसकी इमेज भी दिख रही है
तो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एच ओ, तो हाइट ऑफ इमेज क्या कहा जा रहा है आपसे, दैट इमेज हैज अ हाइट इक्वल टू हाफ द ओरिजिनल हाइट, यानी कि एच ओ बाई टू, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा हाफ। यहाँ पर कहीं पर माइनस साइन की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बंदा खड़ा है और उसका इमेज भी बन रहा है तो वो सीधा सामने बन रहा है, तो अगर सामने बन रहा है इसका मतलब जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, इमेज चाहे जहाँ पर बने, इमेज भी इरेक्ट ही बनेगा ऊपर की तरफ। आप ऐसे सामने मिरर के सामने खड़े होते हो तो इमेज आपकी उल्टी नहीं बनती, सामने ही बन रही होती है। अब इस मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है फॉर अ मिरर दैट इज माइनस ऑफ वी बाई यू। अब ये कॉन्वेक्स मिरर है तब भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो दिस मैग्नीफिकेशन इज गिवन नाउ हाफ। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू बाई टू, फेयर एनफ। अब चूंकि यहाँ पर अल्टीमेटली आपसे व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ शुड अ बॉय स्टैंड, यानी कि बंदा कहाँ पे खड़ा हो ये पूछा जा रहा है, यानी कि इफेक्टिवली आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफेक्टिवली आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही तो पूछा जा रहा है, बंदा ही तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसी का इमेज बन रहा है, तो बंदा मिरर से कितनी दूरी पर खड़ा हो ये अगर आपसे पूछा जा रहा है, तो यानी कि इफेक्टिवली आपसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, यानी कि यू। अब इस सवाल में ऐसे हमको फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट हम फॉर्मूले पे काम कर लेंगे। तो अगर हम फॉर्मूले पे काम कर लें तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या है, वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ। यहाँ पर यू अननोन है तो वन बाई यू को वन बाई यू ही रहने दें। फिर वन बाई वी हमें क्या मिला, वी हमें मिला माइनस ऑफ यू अपॉन टू, तो वन बाई माइनस ऑफ यू अपॉन टू इज इक्वल टू वन बाई फोकल लेंथ। अब ध्यान दीजिएगा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या सीखा था, कॉन्वेक्स मिरर में सीखा था फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो यानी कि ये सिंपली क्या हो जाएगा, वन बाई टू पॉइंट फाइव जस्ट। अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई टू पॉइंट फाइव आ जाएगा, इसका मतलब यू आ जाएगा माइनस ऑफ टू पॉइंट फाइव मीटर। तो ये माइनस एक्सपेक्टेड भी था, माइनस आना चाहिए था, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए कहीं यहाँ पर कहीं आप या ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहाँ पर है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्वियसली बात है कि लाइट अगर ऐसे आ रही है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पोल से पीछे जाते हैं, पोल से कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव आना चाहिए। तो यू इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव मीटर, यानी कि अगर हमारा आंसर होगा अल्टीमेटली वो क्या होगा, और आंसर विल बी सिंपली 2.5 मीटर, क्योंकि आपसे साइन नहीं पूछा है, आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूर उसको खड़े होना है, तो जो डिस्टेंस पे उसको खड़े होना है ताकि ये सिचुएशन फॉर्म हो पाए, दैट डिस्टेंस इज सिंपली 2.5 मीटर। ओके, सो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए ओवर मिरर, इट्स मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखना है व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो मेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से क्वेश्चन होंगे तभी स्टार्ट जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों सीख लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे पहले तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।